बोलो क्या बात। गुरु जी, मैं जिस लड़के से लव करती हूँ उससे शादी करना नहीं चाहती। तुम जिससे लव करती हो उससे शादी नहीं करना चाहती हो? ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन ऐसा क्यों करती हो कि जिसको आप लव करती हो उससे शादी नहीं करना चाहती हो? माइक से बोलिए। मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। लव अपनी इच्छा से करोगी, शादी माँ बाप की इच्छा से करोगे ना? बाप री बहन वाह, नाम कर दिया। क्या नाम लड़के का? क्या लिखा ये? श्री राम से शादी नहीं करना चाहती, आपका लव रहा है लेकिन अपनी इच्छा से शादी करना चाहती हो, समाधान होगा, आशीर्वाद है। बोलो, मिल जाएगा। इसलिए पहली हेडिंग हमने नहीं पढ़ी है, जमीन में गड़ा धन प्राप्त होगा, आशीर्वाद है, इसलिए हमने तीसरी लाइन पढ़ी थी। जाओ, शादी आपकी इच्छा से नहीं, घर वालों की इच्छा से होगी। कोई धर्मेंद्र नाम का लड़का होगा या उफ नाम जितेंद्र होगा, उससे योग बनता है, आशीर्वाद है। ये तीन रामायण, तीन दिन का हवन, तीन आवंदन करना, ओम क्लीम पट गुरु स्वाहा, इस मंत्र को जाप करें, ठीक है? हनुमान जी पे आशा रखो, सब चकाचक होगा, आशीर्वाद है। बोले क्या बात है? गुरु जी, 2023 में मैं लड़की की शादी की और 2023 में मई में मैं लड़की की शादी की और नवंबर में मेरा लड़का का डेट हो गया। आपके लड़के का? हाँ, मेरे लड़के का, एक ही लड़का है। क्या नाम था उसका? आशुतोष नाम था। क्या हो गया था उसको? उसको एक साइज में, जैसे कि स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, एक साइज में नस उसको दबा गया था। आपने तो बताई नहीं मुझे। नहीं, नहीं, आशुतोष की कमर की नस दबने से मृत्यु हुई है, शैतान के द्वारा ये चक्कर बना है, स्कूल से ही ये बाधा है और इसकी मृत्यु हो गई है, इसका घर में पुनर्जन्म होगा, आशीर्वाद है। और एक और सर, घर में कोई प्रेत बाधा तो नहीं है अभी फिलहाल? मैं बोल तो रहा हूँ, स्कूल से आई है। क्या आपने मुझे बताया था क्या? और उसी समय से मेरे बच्चे का भी तकलीफ चल रहा है। शादी किसी लाइन में लिखा है ना कि नाम लिखा है बच्चे का आशुतोष का, मेरे ऊपर भी कोई पहले शैतानी था, अब फिलहाल नहीं है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और घर में घर हरा भरा रहे, घर हरा भरा रहे, और बिटिया की शादी हो जाए। क्या नाम पुत्री का? सत्यवती। आपने किसी को बताया तो नहीं था? सत्यवती की शादी उत्तर दिशा में होगी, शुभ घर में होगी, घर में स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में आर्थिक उन्नति होगी, आशीर्वाद है। आज इसे सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। सत्यवती की शादी पहली अडंग लिखा है, शुभ होगी, आशीर्वाद है। जाओ, आपकी बाधा खत्म हो जाएगी, ठीक है भैया? ये मंत्र नियम से करना है, ओम क्लीम फट गुरु स्वाहा, तीन रामायण, तीन दिन का हवन, तीन नारी बंदन करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडों का सरकार की, हनुमान जी की कृपा से शीघ्र ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। जाइए, बोलो क्या बात है? आमदनी का सर, गुरु जी गाड़ी। क्या नाम है आपका? मनपुल, मनपुल बिश्नोई। क्या चाहते हो? गाड़ी चलनी वापस किराए भाड़े पे। ये लिखा वाहन में वृद्धि होगी, उन्नति होगी, पैसा रुकेगा, आशीर्वाद है। आपके वाहन के काम में सफलता मिलेगी, वाहन चलेगा, पैसा रुकेगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र 108वां करना, तीन रामायण, तीन दिन का हवन, तीन आवंदन करना है, और खूब बड़ा बड़ा लिखते हैं, समझ में ना आए तो टोक दिया करो। चलिए, हनुमान जी पास रखो। बोले क्या बात है? गुरु जी, मिट्टी का मार। माइक से बोले, माइक से बोले। नाती ले जाते देते नहीं, नाती कौन? बिटिया का लड़का। क्यों? बिटिया का मार दीने था। अच्छा, बच्ची मर गई आपकी? मार डालूं ससुराल वाले। कैसे पता नहीं गुरु, तुम्हें कैसे पता मार दिया उन्होंने? अब ती मिल चुकी है, तुमसे पूछूं तो। हमने बताई थी। हां गुरु जी, अब लड़का नहीं देते बोले। क्या नाम लड़के का? हां, लड़के का नाम क्या है? रुद्र। कहीं रहेगी, पढ़िए क्या लगा परिजन। इधर देखो, रुद्र प्राप्त होगा, पुत्री का पुत्र है वह, ससुराल वाले पुत्री के रख रखा है, सो मिलेगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र 108वां करना, तीन रामायण, तीन दिन का हवन, तीन आवंदन करना है, ओम क्लीम फट स्वाहा, इस मंत्र को 108वां करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बोलिए पांडु का सकार की, ईश्वर पर आस्था रखो, सब काम पूरे होंगे, आशीर्वाद।